पार्ट वन में आपने देखा कि ब्रेकअप के चलते गणेश जो है सुसाइड करने जा रहा था, तभी उसके दोस्त पांडु ने उसको बचा लिया और पबजी का उसे सहारा मिला और वो बहुत सक्सेसफुल हुआ, बहुत बड़ा आदमी बन गया। लेकिन अचानक से एक खबर आती है कि पबजी को जो है बैन कर दिया गया है, तो वो वापस डिसाइड करता है कि वो अब फिर से सुसाइड करने जाएगा। और फिर अब आगे, अरे भाई पूरी वीडियो तो देख लो, पूरी बात ही नहीं सुनते। अब सुनने के लिए बचा ही क्या है यार भाई। हर खबर पर होगी आपकी पकड़, डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। हमारे मतलब आपको मत सिखा चल। चीन के पॉपुलर गेमिंग ऐप पबजी के बैन होने के कुछ घंटे बाद भी बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार यानी अक्षय कुमार ने गेमर्स के लिए खुशखबरी दी है। अक्षय नया गेम FAUG लेकर आ रहे हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, इलीची नागिन निकाली, मुन्ना पर डोला अलग ला, इलीची नागिन निकाली। लेकिन एक चीज मुझे समझ नहीं आ रही है, पबजी का बैन होना और 4G का लॉन्च होना एक ही टाइम, ये तो कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। मुझे कुछ करना पड़ेगा, मुझे रीजन पता करना पड़ेगा पबजी का कि वो बैन क्यों किया गया। एक काम करता हूँ, अपनी पूरी गैंग को लेके पुलिस स्टेशन जाता हूँ। अरे क्या हुआ, तुम सब ने यहाँ भसड़ क्यों मचा रखा है? अरे सर, हम सब लोग अच्छे घर से, कृपया गाली वाली का प्रयोग ना करें। ओए नूबड़े, मैंने भसड़ बोला, भसड़ कुछ और नहीं। ओ तो फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक काम कीजिए, आपके सर को बुलाइए, हमें उनसे काम है। सर बाहर आपकी बारात आई है। अरे क्या बात कर रहे हो, अरे तुम्हारे मुँह में घी शक्कर, हे भगवान सुन ली तुमने मेरी, आज मैं आज ही मंदिर जाकर नारियल फोड़ूंगा। चलो देखते हैं बाहर जाके। अबे साले ये बरात है, अब मंदिर में नहीं तेरे सर पर नारियल फोड़ूंगा। हाँ भाई लोग क्या काम है, तुम सब ऐसे भीड़ लगा के क्यों खड़े हुए हो, पता नहीं है क्या कोरोना चल रहा है? सर हमें एक प्रॉपर रीजन चाहिए पबजी बैन का। ने मारो। सेक्शन 69 के तहत पबजी को बैन किया गया है और हमने पबजी वालों को 70 क्वेश्चन की लिस्ट दी है जिसके उनको जवाब देना है 3 हफ्तों में। अच्छा, इसका मतलब 3 हफ्तों के अंदर पबजी वापस अनबैन हो जाएगा? नहीं इतना आसान नहीं है, प्राइवेसी पॉलिसी को लेके भी कुछ इशू है जो तभी सॉल्व होंगे जब पबजी टेंसेंट को पार्टनर सिप से हटा के किसी और कंट्री से जोड़ेगी, जैसे कि जियो कंपनी इंडिया में। अरे सर देश के लिए तो जान हाजिर है यार, पबजी क्या चीज है। चलो थैंक यू सो मच और माफ करना आपका टाइम वेस्ट करने के लिए, हम चलते हैं। अरे कौन हो तुम लोग और मुझे ऐसा घेर के क्यों खड़े हो, जाओ यहाँ से। और तुम ऐसा करीब क्यों आ रहे हो मेरे, जाओ यहाँ से। कौन हो तुम लोग, बचाओ कोई, हेल्प करो मेरी। अरे बचाओ कोई, कौन हो तुम लोग और मुझे ऐसा घेर के क्यों खड़े हो, बचाओ कोई, हेल्प करो मेरी। अरे छोरी अब कोई नहीं आने वाला, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। अरे 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 ये क्या हो रहा है सामने, ओ ये गुंडे तो इस लड़की को छेड़ रहे, रुको इनकी ऐसी तैसी। अरे ओ कुत्तों के पिल्लो। अरे ये ससुरा कौन आ गया बे, ओ अरे ये तो वही है। अरे पिक्सांसर, मैंने आपकी हर वीडियो देखी है सर, बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके, ओ सर बिग फैन। देख बेटे तू फैन है चाहे जो भी है, तूने गलती करी, इसको छेड़ने की हिम्मत ही है। अब अगर तू फैन मानता है तो खुद पुलिस स्टेशन जाके सरेंडर कर दे। और हाँ सुन, ये कुत्तों के भी साथ में लेके जा अपने। और हाँ अगर मुझे दिखा कि तू पुलिस स्टेशन नहीं गया है तो वहाँ पे आके तेरी वाट लगाऊंगा मैं, जा पुलिस स्टेशन जा। जी हाँ सर, जी हाँ सर मैं जा रहा हूँ, ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूंगा, माफ कर देना सर। हाय गणेश। बाय इंदुमती, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं चलता हूँ। सुनो ना गणेश,
प्लीज मेरी बात तो सुनो गणेश, प्लीज आई एम सो सॉरी गणेश, क्या मैं तुम्हारी लाइफ में वापस आ सकती हूँ प्लीज? जब मेरे पास पैसा नहीं था तो मुझे छोड़ के चली गई, पर अब पैसा आ गया तो तुमको वापस आना है। रास्ते से हट जाओ, मेरे को जाना है यहाँ से। अगर तुमने मुझे माफ नहीं किया ना तो मैं तुम्हारी गाड़ी के सामने आके लेट जाऊंगी और अपनी जान दे दूंगी।